श्रीं सर्वपितृदोष निवारणाय क्लेश हन हन सुख शांति देहि देहि फट स्वाहा। हिंदू धर्म में तीन प्रकार के ऋण बताए गए हैं, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। इन तीनों में पितृ पक्ष या श्राद्ध का महत्व इसलिए ज्यादा होता है क्योंकि पितृ ऋण सबसे बड़ा ऋण माना जाता है। शास्त्रों में पितृ ऋण से मुक्ति के लिए श्राद्ध कर्म का वर्णन किया जाता है। हर साल भाद्रपद शुक्ल पक्ष पूर्णिमा से लेकर अश्विन कृष्ण पक्ष अमावस्या तक के काल को पितृ पक्ष या श्राद्ध पक्ष कहा जाता है। पितृ पक्ष या श्राद्ध के अंतिम दिन को सर्व पितृ अमावस्या या महालया अमावस्या के रूप में जाना जाता है। जिन लोगों को अपने पूर्वजों की सही पुण्यतिथि पता नहीं होती, वो इस दिन उन्हें श्रद्धांजलि और पिंडदान करते हैं। पिछले साल की तरह इस बार भी 16 श्राद्ध 15 दिन में पूरे हो जाएंगे। पंचांग के अनुसार 10 सितंबर को सुबह 7:28 से चतुर्थी तिथि खत्म हो जाएगी और इसके बाद सीधे षष्ठी तिथि शुरू हो जाएगी। पितरों की आत्म शांति और उनका आशीर्वाद खुद पर बनाए रखने के लिए पिंडदान, गोदान, अन्नदान, ब्राह्मण भोज कराएं। मान्यता है कि यमराज पितृ पक्ष में पितरों को मुक्त कर देते हैं जिससे वो श्राद्ध ग्रहण कर सके। विधि पूर्वक श्राद्ध करने के लिए पूर्वजों को स्मरण करते हुए श्रद्धा भाव से तर्पण करें और ब्राह्मणों को भोजन कराएं। साथ ही क्षमता अनुसार दक्षिणा और वस्त्र आदि भेंट करें। गंगा जल, दूध, दूब, तिल, चावल, तुलसी, सफेद फूल, दीपक, धूप, चंदन आदि से विधि विधान के साथ पूजन करें। इसके बाद सूर्य को जल अर्पित करें। शास्त्रों के अनुसार पितृ पक्ष में तर्पण और श्राद्ध करने से व्यक्ति को अपने पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है जिससे घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। पिंडदान करने के लिए यहाँ आया हूँ और पिंडदान किया। यहाँ पर पिंडदान करने से पूर्वजों को शांति मिलती है। लिखा है कि पितरों वाक्य में क्षंति, भाव में क्षंति देवता, देवता से भी बड़ा पितरों का दर्जा है। मान्यता है कि अगर पितृ रुष्ट हो जाते हैं तो व्यक्ति को जीवन में बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। पितरों की अशांति के कारण धन हानि और संतान पक्ष से भी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। श्राद्ध को 3 पीढ़ियों तक करने का विधान बताया गया है। 3 पूर्वजों में वसु को पिता के समान, रुद्र को दादा के समान और आदित्य देव को परदादा के समान माना गया है। श्राद्ध के समय यही 3 पूर्वज अन्य पूर्वजों का प्रतिनिधित्व करते हैं। अंकिता जैन, लाइट ऑफ नेशन।